सूबे भर च जिथे एक पासे चोणां दी तैयारी कीती जा रही है उत्थे ही दूसरे पासे कारपोरेशन भी काफी सरगर्म नजर आ रही है। अमृतसर दे विच भी कारपोरेशन दे वलों नजायज फड़ी लगाउण वालियां दे खिलाफ अते फुटपाथ ते दुकानां लगाउण वालियां दे खिलाफ वड्डी कारवाई कीती गई है। ए कारवाई अमृतसर दे हाल बाजार, पुराना पीरां बाग अते होर शहर दे अंदरूनी इलाकियां दे विच कीती गई है तां जो सैलानियां नूं किसी भी तरह की कोई समस्या ना आवे। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि जेकर इह भविख दे विच साडे नाल समझौता करके नहीं चलणगे तां इसे तरह कारवाई कीती जाएगी। अमृतसर दे विच ट्रैफिक नूं सुचारू ढंग दे नाल चलाउण दे लई हर संभव कोशिश कीती जा रही है क्योंकि लखां दी गिणती दे विच श्रद्धालु सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होण दे लई पहुंचदे ने तां उहनां नूं किसी भी तरह की मुश्किल ना आवे अजिहे दे विच उहनां वल्लों कारवाई कीती गई है। मानजोग कमिश्नर साहिब दे हरियातम साहिब सानूं शहर दे विच किसी भी जगह ते कोई नजायज़ कब्जा ना होवे इस लई साडी टीम वल्लों अज ट्रैफिक पुलिस नाल मिल के कार्रवाई की गई है। इस वजह से साडी टीम दे पूरी टीम सी नाल ट्रैफिक पुलिस वाले सी रामबाग थाने दे कोल लैके चित्रा टाकी दे कोल बस स्टैंड साइड सारी जो भी नजायज़ कब्जेदार बैठे से उन्होंने उत्थों खदेड़िया गया। पूरी सख्ती नाल कार्रवाई की गई। असीं तुहाडे माध्यम राही लोगों नूं एक बारी कहना भी चाहते हैं कि वो अपने अपने हदूद दे अंदर रहन, अपनी हद दे विच रहन, सड़क के उत्ते किसी भी जगह कब्जा ना करके जां इस तरह की कोई रेहड़ी फड़ी ला के ट्रैफिक दे विच विघन ना पाउण जिस नाल आम लोगों नूं मुश्किल पेश आवे। ये गुरु नगरी है, इत्थे बहुत दूर दूर तो संगत आती है, सानूं सारयां दा ख्याल रखना चाहिए है। खास करके बस स्टैंड वाला एरिया ते जिहड़ा रामबाग साइड वाला एरिया जिथे गुरु साहब दे श्रद्धालु आउंदे आ उन्हां दुकानदारां नूं तुहाडे नाल अपील है कि वह इस एरिया नूं साफ सुथरा रखण। मुहिम चलती रहेगी जी साडे डिपार्टमेंट वालों तो यह मूवमेंट रैगूलर तौर पर चलती रहती है। बाकी असं हम पुलिस का सहयोग लैके भी आने वाले टाइम इस कार्रवाई लगातार जारी रखांगे।